समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क, उन्होंने एक बार फिर से ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके चलते कहा जाए कि वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। एक बार फिर से उन्होंने जहर उगला है, देश में लोकतंत्र खतरे में है ये कहकर। उनका कहना है कि जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। शफीक उर रहमान बर्क का पाकिस्तान प्रेम भी एक बार फिर से सामने आया। उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। शफीक उर रहमान, एक बार फिर से उनका विवादित बयान। मोदी जी तो खुद पाकिस्तान पर्सनली जा चुके हैं वहां पर, ये कहना कि बात नहीं कर सकते, बात समझ में नहीं आ रही। जो आदमी खुद जा गया हो और आज बात करने के लिए मना करे तो ये तो ताज्जुब की बात है। एपीजे अब्दुल कलाम थी। मनीष यादव इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। मनीष, शफीक उर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, और उनकी तरफ से हर बार एक ना एक विवादित बयान जरूर सामने आता है। पाकिस्तान प्रेम तो इस बार भी उनकी बातों में नजर आया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से कहा कि भाई लोकतंत्र खतरे में है और जो अल्पसंख्यक है वो खतरे में है। देखिए नैना, शफीक उर रहमान बर्क साहब सियासी नजरिए से ही चीजों को देखने के आदी रहे हैं। एक तो चर्चा में वो रहना चाहते हैं, दूसरा विवाद कैसे पैदा हो इसकी कोशिश उनकी लगातार रहती है। सबको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक लगातार कोशिश करते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की जो अवधारणा है उसमें अल्पसंख्यक तबके की बड़ी भागीदारी हो। पसमांदा सम्मेलन आयोजित कराकर, पसमांदा के लिए अलग से योजनाएं लाकर, रोजगार मेले चलाकर इस वर्ग का उत्थान कैसे हो ऐसी कोशिश की जा रही है। सबको आवास मिले, शिक्षा का राइट सबको मिले, मदरसे कैसे बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए इसकी कोशिश में राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार जुटी हुई है। ये किसी से छिपा नहीं है, अल्पसंख्यक तबके की सरकारी योजनाओं में बड़ी हिस्सेदारी रही है। और ऐसे पर ये आरोप लगाना कि अल्पसंख्यकों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, मुस्लिमों की विरोधी सरकार है, ये शफीक उर रहमान बर्क को ही दिखाई दे सकता है, बाकी किसी। बिल्कुल मनीष, और एक और बयान है उनका, वो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में। मनीष जो जानकारी दे रहे हैं, इसके अलावा आपको बता दें शफीक उर रहमान ने कुछ और भी बातें कही हैं, विवादित बोल सुनिए। जब ये कानून बनाया गया हिंदुस्तान का, तो जमहूरियत की बुनियादों पर, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की बुनियादों पर ये देश चल रहा, उसी की बुनियाद पर ये सब कुछ होता, लेकिन उसके खिलाफ किया जा रहा, देश को की जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही। मनीष, जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश, साजिश की जा रही है, शफीक उर रहमान बर्क ये बयान एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में जो अलग अलग इलाकों में चुनाव है 2024 को लेकर भी उनके ये बयान नजर आते हैं? लेकिन ना इसमें कोई दोराय नहीं है और ऐसा बयान कोई नया भी नहीं है। जमहूरियत खत्म करने की कोशिश, लोकतंत्र पर प्रहार विपक्ष के नेताओं के मुंह पे रखा रहता है और इस तरह की बातें अक्सर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी प्रमुख मायावती लगातार करते रहते हैं और उसी की रस्म अदायगी शफीक उर रहमान बर्क ने की है। घोसी में चुनाव हो रहा है, सब जानते हैं दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही है। जो अभी हालिया में नगर निकाय चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती हैं। इससे पहले उपचुनाव हुआ था, जो विधानसभा चुनाव हुए थे सब में बड़ी हिस्सेदारी, वोट परसेंट में इजाफा हुआ है। तो जहां नतीजे अच्छे और मन मुताबिक आए वहां सारी चीजें ठीक है, वहां लोकतंत्र सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही नतीजे दूसरी दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं तो इस तरह का राग अलापना समाजवादी पार्टी से लेकर शफीक उर रहमान बर्क साहब तक करते रहते हैं और वही वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर उनका प्रेम किसी से छिपा नहीं है। आज भी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, अकेले चले जाते हैं लेकिन पाकिस्तान से बातचीत नहीं करते। उस पाकिस्तान की हितैषी बनने की कोशिश, उस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, जो पाकिस्तान लगातार सीमा पार से देश को अस्थिर करने की कोशिशें करता रहता है। तो इस तरह के बयान देने के वो आदी रहे ताकि वो चर्चा में बने रहे और एक खास तबके की प्रसन्नता हासिल करने के लिए बर्क साहब इस तरह की। ठीक है मनीष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो